तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर अपने घर के बाउंड्री वॉल को डिजाइन करने का सोच रहे हो और आपका घर अगर पुराना है, आपने सोचा चलो यार रेनोवेशन करते हैं, थोड़ा पैसा लगाते हैं और घर की बाउंड्री वॉल सुंदर बना लेते हैं, या फिर आपका नया घर बन रहा है और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि बाउंड्री वॉल का डिजाइन क्या रखें, तो भाई आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आप अपने घर की बाउंड्री वॉल को बहुत सुंदर बना सकते हो। और भाई बिल्कुल बनाना भी चाहिए, और वो क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गेस्ट आपके घर आएगा या गाड़ी से कोई आएगा या जाएगा तो बाउंड्री वॉल पर तो सबसे ज़्यादा नज़र पड़ने वाली है। आपके घर के फ्रंट एलिवेशन, जो कि फ्रंट का बाहर है घर का बड़ा फसाड, वो बाद में नज़र आएगा, पहले बाउंड्री वॉल ही नज़र आनी है। तो आप चाहो तो खर्चा बाउंड्री वॉल पे कर सकते हो, लेकिन हमारी कंपनी का टैगलाइन क्या है, बजट आपका डिज़ाइन हमारा, मतलब कि जो भी आपका बजट है उसमें डिज़ाइन हो सकता है। तो मैं आज आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ कि महंगे से महंगे प्लस सस्ते प्लस मीडियम और बिल्कुल लो, मतलब लास्ट में जो मैं ट्रिक बताऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर अगर आपका घर नया बन रहा है तो आप कैसे वो डिज़ाइन डाल सकते हो कि आपका सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और बाउंड्री वॉल दिखेगी ऐसी झकास। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटे कोच पे, और मैं हूं इंटे कोच एंड इंटे बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत, जहां होगा बजट आपका, डिज़ाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो भाई सबसे पहले 100,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं शायद, जब तक ये वीडियो डले 100,000 सब्सक्राइबर हो चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यार, आप लोगों से बड़ा मज़ा आता है बात करके, कमेंट्स पढ़ के आपके, जब लाइव आता हूँ और भी मज़ा आता है। बाकी इंस्टाग्राम चैनल पे हम आ गए हैं, मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने इंस्टाग्राम चलाना सीखा है, आता नहीं था मेरे को, तो वहाँ मैं लाइव आता हूँ और लोगों के साथ भी लाइव आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता लगा इंस्टाग्राम के साथ हम फेस टू फेस लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉग चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक, आप चाहो तो वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करने के बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं, एक कि हम इटालियन स्टोन से डिज़ाइन कर सकते हैं, दूसरा टाइल्स के साथ कर सकते हैं, तीसरा ग्रूव्स के साथ कर सकते हैं, और चौथा लाइट्स के साथ प्ले कर सकते हैं और मिक्स मैच भी कर सकते हैं। इसमें ग्रेनाइट भी आता है, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं लिया इस लिस्ट में वो आपको बाद में बताऊंगा, और साथ के साथ मैं इसमें कॉस्ट सारी बताऊंगा कि अगर ऐसा डिज़ाइन हम बनाएंगे तो इसका खर्चा कितना आएगा, वो वीडियो में वो आपको साथ के साथ दिखता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इटालियन स्टोन की। भाई देखो, इटालियन स्टोन इज़ लाइक अ मर्सिडीज़, कि अगर आप मर्सिडीज़ ले रहे हो तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो महंगी तो गाड़ी आएगी आएगी, साथ का मेंटेनेंस भी महंगा होगा। तो अगर आपका बजट अलाउ करते हैं तो इटालियन में आप जा सकते हो। अब इटालियन में जाने के लिए बहुत सारे शेड्स हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं बहुत डार्क शेड ले लेते हैं। तो सबसे पहले फोटो देखो, बढ़िया लग रही है ना, तो ये इटालियन स्टोन आपको इसी फील्ड में रखना है, मतलब कोशिश करना ग्रे कलर लेना हमेशा बाउंड्री वॉल पर, अगर जाओ तो ग्रे कलर या बेज में ही जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रे वुड और ग्रीन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, और बेज व्हाइट और ग्रे, ये तीन का कॉम्बिनेशन चलता है। तो अगर आप ग्रे वुड ग्रीन की तरफ जाओगे तो, जो कि मेरा फेवरेट अगेन, वो बहुत सही लगेगा। अब बात करते हैं यार मनीष, ठीक है आपने फोटो तो सुंदर सुंदर दिखा दी, भैया खर्चा कितना आएगा? तो भाई खर्चा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि जो इसकी मेंटेनेंस है हर 5 साल में आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि इटालियन बाहर के लिए इतना सुटेबल नहीं होता है और बाद में वो चूर चूर होकर गिरने लग जाता है। तो हर 5 साल के बाद आपको इसकी डायमंड पॉलिश या कोटिंग करानी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसमें कोई क्रैक ना आए। इसकी लाइफ 15 साल तक इजीली होती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट की लगता कैसे है भाई, ये नहीं है कि आपने इटालियन सोच लिया और लग गया ऐसे। कई लोग क्या होता है सीमेंट पे इटालियन लगा देते हैं, मैं कई फसाड दिखाऊंगा गुड़गांव के अंदर या पूरे इंडिया में, जहाँ पे पत्थर अब गिरने लग रहे हैं, और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एक्चुअल में टाइल पत्थर लगता कैसे, आई बटन में लिंक डाल दी, वहां से जाके चेक कर लेना। फिलहाल मैं बता देता हूं कि इटालियन स्टोन वॉल में क्लैड में कभी भी सीमेंट से नहीं लगेगा, अगर कोई लगा रहा है तो अभी काम रोक लो, नहीं तो आपको नुकसान होएगा। तो कैसी ये चीज़ देखनी है, मैंने आई बटन में डाला है, वहाँ से जाके देख लो। इसमें हमेशा एडहेसिव से ये पत्थर लगेगा, टाइल एडहेसिव से लगेगी, पत्थर एडहेसिव से ही लगेगा, सीमेंट से लगाने के अलग तरीके हैं, वो वीडियो में जाके देख लेना डिटेल में। अब भाई इटालियन की कॉस्टिंग, भाई देखो एवरेज हम इटालियन मान के चलते हैं 200 रुपये स्क्वायर फीट, 50 रुपये उसकी मटेरियल की कॉस्ट, 50 रुपये उसकी लेबर की कॉस्ट, और 50 रुपये ही उसकी पॉलिश की कॉस्ट या सॉल्यूशन की कॉस्ट आएगी। तो मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि 350 रुपये स्क्वायर फीट आपका ये लगेगा, और 5 साल के बाद 50 रुपये स्क्वायर फीट का आपका एक्स्ट्रा एड ऑन खर्चा आता रहेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इटालियन आपको जाना है कि नहीं जाना है। अब भाई नेक्स्ट आता है, स्टोन की बात चल रही है तो ग्रेनाइट भी आता है। अब यार मैं कहूँगा ग्रेनाइट इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि ग्रेनाइट में ना लिमिटेड ऑप्शंस हैं, इससे बढ़िया या तो इटालियन डाल लो या टाइल्स डाल लो। तो ग्रेनाइट को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ग्रेनाइट को मैं इसमें नहीं लेके आऊँगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइल की। भैया टाइल मुझे तो भैया बहुत पसंद है, क्योंकि टाइल्स है ना, मार्केट में इतनी बढ़िया बढ़िया टाइल है, इटालियन फिनिश में टाइल है, ग्लॉस में है, मैट में है, शुगर फिनिश में है, रेंज की टाइल है, मतलब सारी चीज़ मिलती है। आप सबसे पहले आप अगेन फोटो देखो, ये टाइल्स के साथ है, देख रहे हो, बिलीव हो रहा है कि एक्चुअल मोरे को 3D नहीं है, एक्चुअल फोटोज है, इसमें से एक मेरे घर की फोटो भी है, आ रहा है ना मज़ा। तो भाई बहुत सुंदर लगती है। तो अब टाइल के साथ कैसे प्ले करना, दुनिया भर के डिज़ाइन हैं, तो वो तो अब आप सजेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपका घर का एलिवेशन डिज़ाइन कर देंगे, उसमें बाउंड्री वॉल बता देंगे कैसी लगेगी। तो जो बेसिक थीम है, जो यूनिवर्सल है, जो अच्छी लगती है, हर किसी को अच्छी लगेगी, वो होगी अगेन कौन सी, ग्रे वुड और ग्रीन। तो आपको कोशिश करना कि एक्चुअली हमारी बाउंड्री वॉल रेक्टेंगल सेक्शन में होती है, ज़्यादा हाइट नहीं होती, तो कोशिश करना जब भी टाइल लगाओ
तो रेक्टेंगल शेप में लगाओ या प्लैंक टाइल लगाओ। इससे क्या फायदा होगा, स्केलिंग सेट रहेगी। अब वो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो टाइल लगाने में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये फोटोज है, ये आपने जो देख लिया। अब इसमें से कोई रेंडम पिक्स कर लेते हैं, चलो ये वाली पिक पकड़ लेते हैं। अब इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, ये जो टाइल है ये आएगी 50 से 60 रुपए स्क्वायर फिट। अगेन इसका मटेरियल का कॉस्ट 50 रुपए स्क्वायर फिट। उसके बाद इसकी जो लेबर कॉस्ट आएगी वो 30 रुपए स्क्वायर फिट। तो 130 रुपए स्क्वायर फिट में आपकी सारी चीज़ लग के रेडी हो जाएंगी। ग्राउटिंग, अब जो इसमें ट्रिक है, अगेन क्या गलती होती है, अगर आपके घर की दीवार पुरानी है, जो मैंने प्लाई बटन डाला था वहां जाके आप चेक कर सकते हो, उसमें बता दिया, इसमें जो ग्राउट डलेगा वो हमेशा MYK कंपनी का ग्राउट पाउडर होना चाहिए। और एडहेसिव जो ग्राउट के अंदर मिलाया जाता है, ग्राउट से मिक्स किया जाता है, पानी नहीं ऐड होता, उसका कोड है 1176। ये भी उस वीडियो में डाला, आप देख सकते हो, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब इसके साथ डेकोर में अगर बात करें तो इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो सकता है। देखो टाइल तो लग गई, अब ये तो दिन में दिखेगी, रात का क्या करें? तो रात के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हो लाइटिंग की प्लेसमेंट। अब ये पहले फोटो देखो, अगेन ये देख रहे हो, अप डाउन लाइट्स कर सकते हो। इसके साथ एक लाइट का खर्चा हो गया करीब 700-800 रुपये, लगाना वायर वायर मिला के आप सारा लगा लो 1500 रुपये की एक लाइट, तो 10 लाइट भी लगते हैं, तो 15,000 के आसपास आपकी सारी लाइटों का खर्चा भी हो जाएगा। और फील एकदम रोमांटिक वाली घर की, घर भी ऐसा लगेगा जैसे शाहरुख खान का। इसकी लाइफ होती है 30 साल। तब ये तो बात हो गई भैया पैसे खर्च करने वाले। अब आप सोच रहे हैं, नहीं सामने बोलता कुछ वो वाला बताओ ना जरा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला क्या था जिसमें पैसे आराम से हमारे बच रहे थे, ज़्यादा पैसे नहीं डालने पड़ रहे थे। तो भाई ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसमें, जिन लोगों का घर नया बन रहा है, पुराने वाले भी कर सकते हैं, कि आपका पैसा नहीं लगेगा, उसे बोलते हैं ग्रूव फॉर्मेशन या निशेज फॉर्मेशन। अब ये लाइंस देख रहे हो, इस लाइन को हम बोलते हैं ग्रूव्स। अब ये आपकी कलाकारी के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप ग्रूव्स कैसे कैसे दे सकते हो। कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ दिखा दिए हैं। इसमें क्या होता है, जब प्लास्टर का टाइम होता है, प्लास्टर के टाइम पे ग्रूव्स काट दिए जाते हैं, और इस ग्रूव का जो रेट आता है वो करीब 15-20 रुपये रनिंग फुट आता है, जो बहुत ईजिली और प्यार से कट जाता है। लेकिन हाँ, स्किल्ड मेजर ढूंढना, कहीं ग्रूव टेढ़े मेढ़े काट दे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लेवल में लेके ग्रूव्स को जब काटा जाता है, तो इसमें आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना सकते हो, स्टार्स के पैटर्न बना सकते हो, अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका प्लस्टर तो होना ही था, पेंट भी होना ही था, तो ग्रूव्स को आप डार्क कर सकते हो, लाइट कर सकते हो, सेम कलर में छोड़ सकते हो, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब ये देखो एलिवेशन पे हमने डाला है ना ग्रूव, देखो कितना सुंदर लग रहा है। सेम बाउंड्री वॉल पे भी ये चल रहा है। तो इसकी कॉस्टिंग क्या आई, 2000 रुपये एक्स्ट्रा, जो अलग से ग्रूव काटने के पैसे लगेंगे। तो ये एक ट्रिक नंबर वन क्या हुई कि ग्रूव्स के साथ प्ले कर सकते हैं। ट्रिक नंबर टू, निशेज। अरे भाई मेरी फेवरेट है निशेज, मुझे पसंद है। अगर मैं अपने घर में पैसा बचाने वाला काम करूंगा तो सिर्फ निशेज जरूर करूंगा। निशेज का मतलब क्या हो गया कि हम 9 इंच की दीवार खड़ी करेंगे और अंदर की तरफ कुछ खड्डे से बनाते चले जाएंगे। अब सबसे पहले अगेन ये फोटोज देखो, अब इसमें देख रहे हो एक कुछ प्लेन निशेज छोड़ी है, कुछ निशेज अगर सीधी सीधी चल रही है, इसमें लाइट देख रहे हो। अब ये निशेज के अंदर आप कोई भी डार्क कलर कर सकते हो और वॉल पे लाइट कलर कर सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो लाइट का तड़का, घर आ जाएगा मजा। और घर के अंदर जो 3D में फोटो देखते हैं कि क्या सच में इतना घर सुंदर बन सकता है, वो एक्चुअल में बन सकता है लाइट की वजह से। आधे आर्किटेक्ट, आधे का 99% को लाइट प्लेसमेंट नहीं आता है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो मैंने आई बटन में डाला हुआ, जाके देखो घर के अंदर लाइट से कैसे, आपका अगर घर में डिस्टम्पर पेंट भी हो रहा है तो लाइट से कैसे बढ़िया दिखाई देता है, वहां जाके देखना जरूर इस चीज को। तो जैसे आपने ये लाइट्स का तड़का मार दिया निशेज के अंदर, आपको पेंट कराना है, खाली पेंट भी होना था, प्लस्तर भी होना था, ब्रिकवर्क भी होना था, बस हुआ क्या, हमने ब्रिक की एडजस्टमेंट थोड़ी आगे पीछे कर दी और जो लुक आ रहा है वो आ रहा है कुछ ऐसा। तो इसमें भी अगेन आपका 2000 का खर्चा आएगा, वो भी जीरो जाएगा क्योंकि ब्रिक आपकी बच जाएगी, हाँ मिस्त्री थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकता है। तो अगेन भाई ये सारी चीज़ें बहुत ही सही मोड में मैंने आपको बताई हैं। अब आप चाहो इसमें से कुछ भी कर सकते हो, और नहीं तो आप हमारी टीम को बुला सकते हो या हमारी टीम से बात कर सकते हो, आपकी बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन हो जाएगा। तो भाई अगेन व्लॉग आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज मैं अब यहाँ पे एक पोल डाल रहा हूँ, जैसे हमारा इलेक्शंस में होता है ना वोटिंग सिस्टम, तो मैं वो यहाँ पे डाल रहा हूँ कि स्टिल्ट पार्किंग के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादातर बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, स्टिल्ट पार्किंग पे हर कोई डिज़ाइन कराता नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि स्टिल्ट पार्किंग पे मैं डालूं कि नहीं डालूं, अगर मेरे को अच्छे वोट मिल जाते तो मैं स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि स्टिल्ट पार्किंग में जो डिज़ाइनिंग हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा हॉल मिलता है, अब वो छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया हो, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो भाई पिछली वीडियो में बहुत वायरल जा रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है कि UPVC और एल्यूमिनियम और वुडन फ्रेम में से कौन सा बेस्ट आता है, कौन सा सबसे सस्ता पड़ता है, वो वीडियो मैंने डाली हुई है। तो भाई और नेक्स्ट वीडियो में भाई बहुत मजा आने वाला है, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए फायदा, जो बीच में छोड़ के चले गए उनका होएगा नुकसान। अब वो बता रहा हूँ कि राज का खुलासा क्या है, वो ये है कि अब मैं 2BHK का पूरे फ्लैट की डिजाइनिंग शुरू करने वाला हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक फ्लैट का साइज ले लूंगा, बेडरूम 1, बेडरूम 2, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, पूरा एक एरिया पूरा डिजाइन करके बताऊंगा विद कॉस्टिंग के साथ, कि भाई सबसे ज्यादा पैसा अलग अलग रेंज में, कि 5 लाख में ये बनेगा, 10 लाख में ये बनेगा, 15 लाख में ये बनेगा, वो पूरी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ भाई, वो जो ड्राइंग्स होंगी उनकी एक्चुअल वाली नेट पर अपलोड कर दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा, और अमाउंट होगा छोटा सा क्योंकि यार वो मेहनत वाला है,
तो वो थोड़ा सा मैं अमाउंट डालूंगा, वहां से आप अपने पूरे घर के लिए, अगर आपके घर से नक्शा मैच होता है, आप वो ड्राइंग को डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है भाई, तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।